रेवाड़ी में बुधवार की सुबह सीएम फ्लाइंग की टीम ने अचानक नगर परिषद कार्यालय में धावा बोल दिया, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय के अंदर काफी कर्मचारी सीट से नदारद मिले। वहीं हाजिरी रजिस्टर चेक करने पर 11 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, उनकी सूची बनाकर मुख्यालय को भेज दी गई। इसके अलावा टीम ने नगर परिषद में काम कराने आए लोगों से भी बातचीत की, उनकी शिकायतें जानी, इसकी भी एक रिपोर्ट बनाई गई। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि नगर परिषद में चेकिंग के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ रहे। यहां 50 कर्मचारी में से 11 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जबकि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी कर्मचारी हाजिर पाए गए। साथ ही प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी कितने पेंडिंग है, इसकी भी डिटेल ली गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज नगर परिषद रेवाड़ी के जब अंदर सरप्राइज चेकिंग की गई तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे साथ लगाए हुए थे, तो वहाँ पे 50 टोटल जो एम्प्लाई हैं उनमें से 11 एम्प्लाई एब्सेंट मिले हैं। वहाँ पे कौशल रोजगार के 21 एम्प्लाई हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। अभी इनकी गाड़ियों की लॉग बुक, इनके कितनी प्रॉपर्टी आईडी पेंडिंग है, कितनी इनमें नोड्यू सर्टिफिकेट्स हैं और बाकी शिकायतें वगैरह, वो सारी अभी जाँच हो रही है। उसकी सारी डिटेल लेके वो विस्तृत विवरण शीघ्र आपको दिया जाएगा जी। दरअसल सीएम फ्लाइंग को लगातार सूचना मिल रही थी कि रेवाड़ी नगर परिषद कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी सुबह के वक्त ड्यूटी पर टाइम से नहीं पहुंचते। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची के निर्देश पर बुधवार की सुबह सीएम फ्लाइंग की एक टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची। टीम ने एक ही कमरे में जाकर जाँच की तो कई जगह कर्मचारियों की कुर्सियाँ खाली मिली। इसके बाद मौके पर वीडियोग्राफी कराई गई और हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया। सीएम फ्लाइंग ने गैर हाजिर मिले अधिकारी और कर्मचारियों की सूची बनाई। इस सूची को आगामी कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया है। सीएम फ्लाइंग की अचानक हुई कार्रवाई के बाद नगर परिषद ही नहीं बल्कि दूसरे सरकारी या कार्यालयों में भी हड़कंप मच गया। अब देखना होगा कि इस औचक निरीक्षण का असर कितने दिन तक नगर परिषद कार्यालय में देखने को मिलेगा। सत्य खबर के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।